वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के हो, पर्टिकुलर किसी लीडर के हो, कुछ लोग ना, मैं इस सबसे पहले मैं कहता हूँ, ये वीडियो है जिस पे मिलियंस व्यूज होने चाहिए, जो करोड़ों लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कुछ वीडियोस हैं जो व्यूज तो आ जाते हैं लेकिन लोग ये रियलिस्टिक तरीके से नहीं समझ पाते कि सच्चाई आखिर क्या है। मुझे समझ नहीं आया कि भाई सीधा हिटलर से कंपेयर कर दिया, डिक्टेटरशिप की बात कर दी। अगर एक चीज बता, अगर डिक्टेटरशिप होती ना तो जो राम मंदिर अब बना है ना, ये 2014 का था ना, बन चुका होता, टूट फूट जाते तब तक जितने भी पुराने। आज भी प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं ना, प्रोटेस्ट इस तरीके से हो नहीं पा रहे। दूसरी बात, एक बंदा नहीं दिखता रोड जितने ये जो ऑपोजिशन पार्टीज के जो ये जो इतने सो कॉन्फिडेंस या डिक्टेटरशिप करते हैं ना, उनसे मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, अगर उनका जवाब होगा तो कभी कहीं ना कहीं आप लोग को सुनने को मिल जाएगा कि ये लोग आइडियोलॉजीज के आधार पर पावर में आना एक डिक्टेटर की कोर निशानी तो होती ही है। जैसे फॉर एग्जांपल, हिटलर भी तो आर्यन सुप्रीमेसी के आइडियोलॉजी से ही पावर में आया था। आइसिस फाउंडर जरकावी इस्लामिक सुप्रीमेसी के बल पर, और स्टालिन सोशलिस्ट सुप्रीमेसी। अब हिटलर के राइस के टाइम पर भी लोगों को यही लगा था कि आर्यन सुप्रीमेसी एक अच्छी विचारधारा है और ज्यूस का तो सिर्फ इकोनॉमिक बहिष्कार ही हो रहा है। पर आगे जाकर यही चीज इस तरह से एस्केलेट हुई कि ज्यूस के खिलाफ सभी जर्मन्स में एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट फैलने लग गया और उनके खुलेआम एग्जीक्यूशंस तक होने लगे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में तो आपने सुना ही है। अब मैं यहाँ पर आज की रियलिटी क्या है, कौन सही है कौन गलत, ये अब तक नहीं बता रहा हूँ, बल्कि परसेप्शन ऑफ रियलिटी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि बीजेपी सपोर्टर्स को लग सकता है कि डरने की जरूरत तो माइनॉरिटीज को नहीं बल्कि हिंदुओं को है। तो वेल, ये उनका परसेप्शन ऑफ रियलिटी है, बट बिना ऑपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू को लॉजिकली समझे कि कहां से वो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, बिना उसके जड़ तक जाए, हम वो सच है या झूठ ये नहीं समझ सकते। हमें प्रोपोगैंडास को असली सच्चाई से अपने विवेक के इस्तेमाल से अलग करना ही होगा, और तभी हम एक रियल जागृत इंडियन बन सकते हैं, सिर्फ एक अंधभक्त नहीं। और आज के इस वीडियो में बिल्कुल हमारी यही कोशिश होगी कि इस पूरे मुद्दे के जड़ तक जाए, रूलिंग गवर्नमेंट सपोर्टर्स और एंटी गवर्नमेंट सपोर्टर्स दोनों के नजरियों को लॉजिकली समझे और फिर ही जजमेंट पास करे कि किसका पलड़ा भारी है। सो पहले समझते हैं कि क्यों अपोजिशन ये दावा कर रही है कि मोदी जी एक डिक्टेटर है जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है। वेल, इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक डिक्टेटर की असल पहचान ही क्या है, हिस्टोरिकली क्या रही है, और मोदी जी की लीडरशिप इनसे कितना मैच कर रही है। सो किसी भी डिक्टेटोरियल रेजिम के मुख्य पिलर्स है ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स, इनसे ही एक डिक्टेटर का पूरा गेम डिफाइन हो जाता है। सो शुरू करते हैं डिक्टेटोरियल रेजिम के बेस से, यानी पहले पिलर आइडियोलॉजी से, और बीजेपी के केस में ये आइडियोलॉजिकल बैकबोन है हिंदुत्व। हैना आरेंट, एक जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थियरिस्ट, ने अपने पब्लिकेशन द ओरिजिन ऑफ टोटालिटेरियनिज्म में ये लिखा है कि आइडियोलॉजीज ही डिक्टेटोरियल रेजिम्स के लिए पावर हाउस होती है। आई मीन, एक डिक्टेटर को लोगों को करोड़ों की तादाद में अपने साथ करना होता है, और ये सिर्फ आइडियोलॉजीज के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आइडियोलॉजीज ही हम जैसे कॉमन लोगों को कॉमन बिलीव्स के थ्रू जोड़ने का काम करती है। एक सुनहरे भविष्य का एक विजन देती है, और इसीलिए ही किसी भी रेजिम का ये बैकबोन होती है। अगर आप दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल डिक्टेटर्स के केसेस को देखोगे, जैसे हिटलर की रेजिम ले लो, उसने जर्मनी में आम जर्मन्स में नाज़िज़्म की आइडियोलॉजी को पेनिट्रेट करके देश में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था। Ihre von dem deutschen Volk übernommene Aufgabe zu erfüllen. Sie tritt daher heute hin vor dem Deutschen Reichstag mit dem heißen Wunsch, in ihm eine Stütze zu finden. अगर आप उसकी बुक मीन कैंप में भी देखोगे, इसके चैप्टर 11 में उसने रेस के प्यूरिटी को सीधे नेशनलिज्म से जोड़ा है। रशिया के डिक्टेटर व्लादिमीर पुतिन भी क्रिमियन इन्वेजन को, इनफैक्ट अभी के यूक्रेनियन इन्वेजन को भी वो रशियन एथनिसिटी को बचाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं, और इसीलिए आम जनता भी उन्हें सपोर्ट करती है। इराक और सीरिया की आईएसएस रेजिम भी तो अपने सलाफी इस्लामिक कैलिफेट वाले आइडियोलॉजी पर ही तो रूल कर रही थी। सो बेसिकली, आइडियोलॉजी के बिना एक डिक्टेटर जनता पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश ही नहीं कर सकता। अब ऑपोजिशन के हिसाब से बीजेपी के कोर में आरएसएस आइडियोलॉजी है,
जिस पर भी हिंदुत्व सुप्रीमेसी और माइनॉरिटी को दबाने वाला एंगल है। अब इस पर बीजेपी का क्या पर्सपेक्टिव है, इसे हम आगे कवर करेंगे। बट एक डिक्टेटर इन्हीं आइडियोलॉजीज के थ्रू करोड़ों को अपने साइड में करके पावर गेन करता है। अब एक बार डिक्टेटर पावर में आ जाए, इसके बाद वो देश के की इंस्टीट्यूशंस में अपनी पकड़ बढ़ाने लगता है, जो डिक्टेटरशिप का दूसरा मेन पिलर है, क्योंकि उसे पता होता है कि ऐसे ही देश की नब्ज को अपने हाथ में लिया जा सकता है और अपनी हार्ड पावर को बढ़ाया जा सकता है। बिकॉज अल्टीमेटली हार्ड पावर और हार्ड सिस्टम से ही तो देश को कंट्रोल किया जा सकता है। और एक डिक्टेटर ये कैसे करता है, अपने लॉयलिस्ट, अपने वफादारों को की इंस्टीट्यूशंस के लीडरशिप में प्लेस करके। अब मोदी सरकार पर भी ऑपोजिशन सेम एलिगेशंस लगाती है। उनके मुताबिक मोदी जी गवर्नेंस के तीन मेजर पिलर्स, मिलिट्री, जस्टिस सिस्टम और एग्जीक्यूटिव बॉडीज को कंट्रोल करते हैं, जो उन्हें एक्सट्रीमली पावरफुल बना रहे हैं। अब इसे ऑपोजिशन द्वारा हाईलाइट किए गए केसेस से समझते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मोदी सरकार पर एलिगेशंस लगे हैं कि वो गवर्नेंस के तीन मेजर पिलर्स, मिलिट्री, जस्टिस सिस्टम और एग्जीक्यूटिव बॉडीज को कंट्रोल करते हैं, जो उन्हें एक्सट्रीमली पावरफुल बना रहे हैं। अगर मिलिट्री कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऑपोजिशन का ये दावा है कि 2016 में ही बीजेपी ने इंडियन आर्मी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पर्टिकुलर किसी लीडर के हो। कुछ लोग ना, मैं इस पे सबसे पहले मैं कहता हूं ये वीडियो है जिस पे मिलियंस व्यूज होने चाहिए, ऑपोजिशन क्या बोल रहा है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कुछ लोगों ने पूरा क्लेरिफाई किया है, लेकिन सेकंड पार्ट में उन्होंने पूरा क्लेरिफाई किया है कि ऑपोजिशन की सच्ची बातें हैं वो सारी सच्ची में। और मैं तो ये देख के हैरान हो रही हूं कि जिस टाइप के इन्होंने एक्ट्स बनाए हुए हैं, इतने गलत, इतने रॉन्ग बन कैसे गए, देश में चल क्या रहा है, मैं तो ये देख के हैरान हो रही हूँ। अब मुझे पता चला क्या नाम था उसका, कौन सा एक्ट था वो, वक्फ जो भी है, वक्फ बोर्ड का जो भी लग रहा है कि उसने वो ले लिया। हाँ, इसको तो मैं अब हर वीडियो में मोदी जी को यही बोलने वाली हूँ, मोदी जी इसको भी हटाओ, पता नहीं बेचारे क्या क्या करें, सब चीजें लॉजिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हटेंगे। कितना गलत बात, एक आदमी आया है उन्हीं से एक उम्मीद हो रही है, बाकी क्या कर रहे थे बीजेपी का अच्छा उनके पास कुछ मुद्दा नहीं बचा, उनको तो बस ये कि इसकी छवि बिगाड़ो, डिक्टेटर कह गए कि इनमें लॉजिकलेस है हर एक चीज, बहुत ही आप समझा करो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप वीडियो देखते हो ना, कि वीडियो कितनी शानदार प्रेजेंट हुई है, उस पर मत जाया करो कभी भी। आप खुद भी एक चीज देखा करो, आप जिस देश में रह रहे हो, क्या वहां पर आतंकवादी गतिविधियां जितनी होती थी, क्या वो उतनी उस लेवल पर हो रही है, या किस तरीके से माहौल कम हो गया। कुछ लोग आ जाते हैं, महंगाई का तो इतना एक ही पॉइंट बोलूंगा, जो तुम्हारी तनख्वाह थी, जो तुम्हारे माँ बाप की तनख्वाह एक टाइम पर थी ना, जब वो तेल 35 से 50 रुपए लीटर था, तो उस टाइम पर जो तनख्वाह थी उसको कितने गुना आपके माँ बाप की तनख्वाह बढ़ चुकी है उस पोस्ट से, और कितना तेल बढ़ चुका है कितने गुना, उससे कंपेयर कर लेना, आपको उसी में उसका मिल जाएगा। और दूसरा, जो डिबेट में आते हैं टमाटर लेके या योगा करके दिखाते हैं, ये देखो टमाटर महंगा हो गया, तो ये नहीं बताने आते दोबारा टमाटर लेके, ये टमाटर कितनी जल्दी सस्ता भी हो गया है, ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज आती है कि डेवलपमेंट, आज तक मैंने ना किसी उससे ही नहीं सुना, चलो जो डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे एक चीज बताओ, जो अगर मैं छोड़ गाइस, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।